आपको अगर ये पता चले कि आप हाई ब्लड प्रेशर के जिस रेंज को नाप रहे हैं वो एक्चुअली में रेंज गलत है और आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ही नहीं है, यानी कि जो आप दवा ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो बिल्कुल गलत है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको एक झटका सा लग जाएगा। मुझे भी ये झटका लगा जब पिछले दिनों मैंने लगातार रिसर्च की, लगातार पढ़ाई की, स्टडीज़ की और कई रिपोर्ट्स पढ़े, तो मुझे इस बारे में पता चला और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मुझे इतनी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ पता चली तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात पता ही नहीं होगी कि जिस रेंज को वो मानक मान रहे हैं एक्चुअली में वो रेंज हाई ब्लड प्रेशर की है ही नहीं। हेलो, माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और सेहतमंद सोमवार में आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, और उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की सही रेंज क्या है। क्या वाकई में आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं? क्या सच में आपको रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर की दवा खाने की जरूरत है या इसके पीछे की कोई और कहानी है? तो हाई ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज जो आपको, हमें, डॉक्टर्स को पता है वो है 80-120, यानी 80 से लेकर 120 तक। 120 से ऊपर जाता है या 80 से ऊपर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है और हमारे डॉक्टर हमें दवा रेकमेंड करते हैं और हम दवाइयाँ डेली बेसिस पे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये एक्चुअल रेंज है ही नहीं, जब से हाई ब्लड प्रेशर की रेंज तय की गई तब से ये 120 और 80 नहीं था। हाई ब्लड प्रेशर की रेंज कौन तय करता है? WHO करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट्स करते हैं, और WHO और मेडिकल डिपार्टमेंट्स किससे जुड़े होते हैं? मेडिकल दवाई की कंपनी से जुड़े होते हैं। दवाई की कंपनी दवाइयाँ मार्केट में कब बेच पाएंगी? जब पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी। पेशेंट की संख्या कब ज़्यादा होगी? जब कुछ ऐसा किया जाए ताकि पेशेंट की संख्या बढ़ जाए। तो जब ब्लड प्रेशर का रेंज पहली बार डिसाइड किया गया 1970-71 के दौरान, आप देखिएगा रिसर्च में पढ़िएगा, तो उस समय ब्लड प्रेशर की रेंज जो है वो 80 की जगह 100 रखी गई थी और जो 120 है वो 160 रखी गई थी। इससे दवा का मार्केट थोड़ा सा जोर पकड़ने लगा। लेकिन फिर 10 साल बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, मार्केट को थोड़ा और फोर्स देना है, मार्केट में दवाई को सप्लाई और तेजी से बढ़ाना है, इसीलिए डॉक्टर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी था कि हाई ब्लड प्रेशर की रेंज जो है थोड़ी और कम कर दी जाए। तो वो जो 160 था उसकी रेंज 140 कर दी गई और जो 100 था उसकी रेंज 90 कर दी गई, यानी कि तब ब्लड प्रेशर का रेंज माना गया 90 और 140 के ऊपर जो होगा वो हाई ब्लड प्रेशर होगा। फिर मार्केटाइजेशन बढ़ गया और मार्केट में दवाइयों की खपत और तेजी से बढ़ानी थी, तो ये जो नया रेंज है ब्लड प्रेशर का वो आ गया 120 और 80, और हम इसी मानक को सही मानते हैं। और जैसे इससे थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो साइकोलॉजिकली हमें ये प्रेशर होने लगता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया। जबकि आप खुद ध्यान दीजिए कि जब भी आप ब्लड प्रेशर को नपवाने जाते हैं किसी, तो उस समय आप खुद घबराए रहते हैं और इससे बाई नेचुरल आपका, बाई डिफॉल्ट आपका हाई ब्लड प्रेशर जो वो थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ क्यों आता है, इसको थोड़ा सा बेसिक समझिए तो शायद आप अपने ब्लड प्रेशर को खुद पहचान जाइएगा। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है? जो ब्लड होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। उस सर्कुलेशन का काम यानी उसे फैलाने का काम हमारी नस यानी कि धमनियां करती हैं। तो ये धमनियों तक ब्लड पहुंचाने का काम, ब्लड का फोर्स जो होता है ना, ये धमनियों को बहुत तेजी से करना होता है। तो जब हमारी नसें मोटी हो जाती हैं और उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उनका लचीलापन कम होने लगता है, तो उनका काम स्लो होने लगता है। और जब ये स्लो हो जाता है तो शरीर में ब्लड को तो पहुंचाना जरूरी होता है, तो हमारा हार्ट मेहनत करना शुरू करता है। और जब हमारा हार्ट मेहनत करता है तो हार्ट ब्लड को बहुत फोर्स से धमनियों की तरफ ढकेलता है। ये जो फोर्स होता है इसको चाप बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, और इसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ऐसा कब होता है? आप जब भी कभी दौड़ के आते होंगे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करके आते होंगे, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर नापिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, क्योंकि उस समय हमारा हार्ट जो है ना वो बहुत तेजी से ब्लड को पंप करना शुरू करता है। तो बेसिक जो रीजन होता है वही होता है, और इसीलिए कहते हैं कि अपनी जो आपके सेल्स हैं ना, नसें हैं, धमनियां हैं, उनको क्लीन करना, बहुत डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो मोटी ना हो, कमज़ोर ना हो, शिथिल ना हो, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ताकि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता रहे, तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है ये तो समझ दिया। ये जो लोग बार 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 ब्लड प्रेशर को नपवाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग दवा का डोज डिसाइड करते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि अगर आप 160 और 100 के
नीचे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर के रेंज में हैं, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ घरेलू उपचार करने हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कुछ चीज़ों को नहीं करना है और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाई ब्लड प्रेशर या रिस्क जोन में नहीं आता है, ये नॉर्मल रेंज में आता है। क्योंकि रेंज बदल दिया गया ताकि लोगों के अंदर ये फोबिया हो जाए कि वो नॉर्मल रेंज से ऊपर और वो दवा खाना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तब आप ज़रूर ब्लड प्रेशर की जांच करवाइए, तब आप ज़रूर ब्लड प्रेशर की दवा लीजिए। तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स कैसे पहचानने हैं? अगर आपको चक्कर आता है, जल्दी थकान हो जाती है, अक्सर सर में दर्द रहता है, हार्ट बीट रह रह के फास्ट हो जाती है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ना, ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। तो आधी जनसंख्या ऐसी है जो बिना सिम्टम्स के ही ब्लड प्रेशर नपवाती है और 120 और 80 से ऊपर आता है तो ब्लड प्रेशर की दवा खाने लगती है। जबकि आपको करना क्या है, अपने लक्षण को मैच करना है, यानी सिम्टम्स को मैच करना है और फिर ब्लड प्रेशर को नपवाना है। अगर आप बॉर्डर लाइन में भी हैं तो भी आप दवा ले सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर लाइन से नीचे हैं तो आप घरेलू उपचार को कराइए। और हमेशा बॉर्डर लाइन, चलिए आपका दिल नहीं करता 160 को मानने का, तो आप 140 को मान करके नॉर्मल रेंज ही चलिए, लेकिन आप घरेलू उपचार करिए। क्या घरेलू उपचार करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। आपको अगर देखना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आज ही अपना ब्लड प्रेशर नाप करके आपका क्या रेंज आया है ये मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से समझ सकूँ और बेहतर समाधान उनके सेहत से जुड़े उनसे शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ एज अ फैमिली मेम्बर आप इतना काम जरूर करिएगा कि ब्लड प्रेशर की आपकी क्या रेंज है ये मुझसे शेयर जरूर करिएगा। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, यूजफुल लगी कि नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता है। और अगर इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यकीन मानिए आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, किसी भी जेंडर के होंगे, आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो आपके लिए मिल ही जाएगी। तो चलिए, ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए और नेचुरल तरीके से सेहतमंद रहने की कोशिश